जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम रोड। एग्जाम रोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल से ही जान चुके होंगे कि क्लास टेंथ के गणित विषय के सिलेबस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा शैक्षिक सत्र 2021 और 22 के लिए सिलेबस का 30% पूरे 30% आपका सिलेबस कम कर दिया गया है। यह 30% सिलेबस जो है कम कर दिया गया है, तो बचा हुआ 70% आपके सिलेबस में अब भी मौजूद है। आइए, आपका 70% सिलेबस आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं कि पहले सिलेबस में 30% जो कटा हुआ है आखिर में वो है तो है क्या, जो आपके अभी सिलेबस में नहीं है और उसको अभी पढ़ना भी नहीं है। ठीक है मित्र, आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा सिलेबस जो 30% कटा है क्या है। हटा दिए गए पाठ्यक्रम, पहला है बहुपद, दूसरा है समांतर श्रेणी, तीसरा है वृत्त, चौथा है प्रोबेबिलिटी, जो चारों बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक थे। मित्र, ये चार के चारों आपके सिलेबस में अब नहीं है। ठीक है, अब जो नवीन आपका पाठ्यक्रम है, अब उसमें जो आपका 11 टॉपिक, टोटल 11 टॉपिक हैं नवीन में, और जो 30% हटा दिए गए हैं उसमें 4 टॉपिक थे। ठीक है, और नवीन में आपका टोटल 11 टॉपिक है। अब उसमें 11 टॉपिक कौन से हैं वो जानिए। पहला है वास्तविक संख्याएं, जो आपका 5 अंक का आएगा, जो आपका एग्जाम में 5 अंक का पूछेगा। दूसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और तीसरा है द्विघात समीकरण। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और द्विघात समीकरण, ये दोनों मिलाकर 18 अंक के आएंगे एग्जाम में आपके। सुमित्र, इसको आपको जरूर जरूर से जरूर तैयार कर लेना है, क्योंकि आपके पूरे 18 नंबर के बाद हैं। ठीक है, आगे अगला टॉपिक है आपका चौथा त्रिभुज। त्रिभुज के साथ रचना होती है ना, रचनाएं जो होती हैं उसको भी पढ़ना है। ये आपका 8वां टॉपिक है, ये आपका 4था टॉपिक है। ठीक है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर 12 नंबर डिसाइड किया गया है कि इन दोनों टॉपिक को मिलाकर 12 अंक दिए जाएंगे आपको। ठीक है, अगला टॉपिक आपका पड़ेगा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से आपको 5 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इन दोनों टॉपिक से आपके 10 अंक के क्वेश्चन बनेंगे। कितने अंक के मित्रों, 10 अंक के। ठीक है, 10 अंक के आपके क्वेश्चन बनेंगे, और इसको जरूर से जरूर आपको तैयार कर लेना है। इसमें बिल्कुल कोताही नहीं करनी है, अच्छे से पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो। एग्ज़ाम ही अकेला नहीं होता है कि आप केवल यही एक एग्ज़ाम दे लें और आप आगे निकल जाएंगे। ये आपको आगे चल कर कंपटीशन में भी आपको ये सब टॉपिक मिलेंगे, और आपको पढ़ना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब करें। अगला, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन, ये दोनों टॉपिक मिलाकर 10 अंक के पूछे जाएंगे। इन दोनों टॉपिक को आप पढ़ लेते हो अच्छे से, यदि आपका तैयार हो जा रहा है तो आपको यहाँ से 10 नंबर मिलेगा। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे आप बना ले जाएंगे। ठीक है, आपका आखिरी लास्ट टॉपिक बचेगा सांख्यिकी। सांख्यिकी से आपको 10 अंक के क्वेश्चन बनेंगे। यदि आप सांख्यिकी तैयार कर लेते हो तो आपको एग्जाम से 10 नंबर तो मिल ही जाएंगे, और बाकी टॉपिक वाइज जो दिए गए हैं सबको तैयार कर लीजिए। तो मित्रों, ये तो हुआ एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हम सिलेबस पर चर्चा कर लिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन अब हम बताएंगे कि हम किस तरह से किस टॉपिक पे कितना वीडियो बनाएंगे, प्लानिंग क्या रहेगी, हम लोग किस तरह एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे और सारे डाउट क्लियर करेंगे। आपका पहला टॉपिक वास्तविक संख्याएं जो हैं उसको कराया जाएगा, उसमें कम से कम 2 से 3 वीडियो, और जो डाउट क्लास है एक डाउट क्लास लेकर आएंगे, यानी कम से कम 3 से 4 क्लास आपका वास्तविक संख्या यानी पहले टॉपिक पर पड़ेगा। दूसरे टॉपिक में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और द्विघात समीकरण को मिलाकर आपका 5 से 6
वीडियो इसमें पड़ेंगे आपके। दोनों को मिलाकर 5 से 6 क्लास हम देंगे, जिसमें आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, एक तरफ सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन कराया जाएगा। सारे डाउट जो भी होंगे उसको मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर आएंगे, एक्स्ट्रा वीडियो लेकर आएंगे, उसमें जिसका जो भी डाउट रहेगा, कमेंट किया रहेगा, उसको मैं क्लियर करा दूंगा। फिर अगला टॉपिक आपका है त्रिभुज। अब त्रिभुज पे और इसके साथ साथ रचनाएं, त्रिभुज के साथ साथ रचनाएं जो आपके पूरे 12 अंक देंगे, इसको हम कम से कम 5 से 6 वीडियो इसके लिए भी बनाएंगे। इसमें आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जो भी क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट सारे के सारे समझाए जाएंगे, और जो बेसिक है बेसिक क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, और जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे जो एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है, एक भी नहीं छोड़ी जाएगी, सब करा दीजिए, क्लिक करा दिया जाएगा। आगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन, ये 10 अंक का आएगा। इसमें भी अब 10 अंक की बात है, तो इसमें भी कम से कम 5 से 6 वीडियो तो बन ही जाएगा, इसमें भी 5 से 6 वीडियो बनेगा। उसके बाद सांख्यिकी हो गया, सांख्यिकी आपका 10 नंबर अकेले है, तो ये भी कम से कम 5 वीडियो तो इसमें भी बनेगा, और आपका सारा डाउट क्लियर। उसके बाद खेल उसके बाद शुरू होगा मित्र, खेल फिर उसके बाद शुरू होगा, फिर मैराथन आएगा। सारे टॉपिकों को लेकर दो दो तीन तीन टॉपिक मिलाकर मैं मैराथन करूंगा, 2 से 3 मैराथन में पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों किस तरह से आपको ये सारे स्टेप्स बताए, इनको आपको फॉलो करना है और आपको 100% फायदा होगा, ये हमारी गारंटी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।